सभी भाइयों को दीपक शर्मा की तरफ से राम राम नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल धरती पुत्र किसान पे। तो आज अपने ही फार्म से एक भैंस की वीडियो आप भाइयों को दिखा रहे हैं। जो भी पशुपालक भाई पहली बार वीडियो देख पा रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी वाला बटन दबाए ताकि इन फ्यूचर हम कोई भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप भाइयों को मिलता रहे। तो धर्मवीर डेयरी फार्म हरियाणा करनाल का जो अपना एड्रेस रहेगा, सामने आप स्क्रीन पर जो बोर्ड पर देख भी पा रहे हैं। तो ये जो भैंस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तीसरी बार इसने एक फीमेल काफ को जन्म दे रखा है और आज लगभग 5 दिन की ब्याई हुई है। मौके पे लगभग 12 से 13 लीटर जो दूध इसमें तैयारी का है। एक बार चला के दिखा के लेके जा भाई। तो देखें जी, एक बार चला के भी आप भाइयों को दिखा रहे हैं। अडर की पोजिशन है वो काफ़ी अच्छी है। देखें बारी बरकम जो अडर की पोजिशन, और देख सकते हैं तनों का जो स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छा है। एक बार रोक के रख लें तो देखें, एक बार थनों का जो गैप है वो भी मैं आप भाइयों को एक पैर आगे रखवा भाई। तो देखें जी, बिल्कुल मुट्ठी के आकार का जो थन लगे हुआ है और थनों में जो स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं। और फेस की जो क्वालिटी की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं, तीसरी बार बच्चा दे रखा है, बारी बरकम, और बारी बरकम शरीर की है। लेके चलें भाई, उधर लेके चलें, ये देखें जी। तो सेल के लिए उपलब्ध है। कोई भी भाई ज़्यादा जानकारी के लिए जो नंबर स्क्रीन पे चले हुए हैं, इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पीछे से दिखाना चाहूँगा, ये देखें, अभी लगभग मिल्किंग में 2 घंटे का जो टाइम बाकी है। इससे अलग भी लगभग 30 भैंसें जो अंदर फार्म में खड़ी हैं। तो कोई भी किसान भाई, चाहे जिसको एक भैंस लेनी है, 2 लेनी है या 10 भैंसें लेनी है, वो भाई भी संपर्क कर सकता है। तो एक बार लंबा चला के दिखाएं, ये फीमेल काफ है भाई इसके साथ में, ये देखें। और एड्रेस जो रहेगा वो आप इसमें देख सकते हैं। लेके चले आगे, लेके चलें एक बार, ये देखें। तो कमेंट करके बताएं कैसी लगी आप भाइयों को ये भैंस। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। एक बार अंदर से भी मैं आप भाइयों को भैंसें दिखाऊँगा जो इससे अलग भैंसें खड़ी हैं सेल वाली। बस भाई आराम आराम से लेके चल, ये देखें जी, बारी बरकम जो इसका अडर की पोजीशन है वो देखें आप। और भैंस भी काफ़ी अच्छी है। बस भाई लेके चले, अंदर लेके जाओ। तो अंदर जो भैंसें बंधी हुई हैं वो भी मैं एक बार आप भाइयों को दिखाऊंगा।